हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सुनीता जोशी। आप सबका मेरे चैनल सुनीता प्रदीप जोशी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा अचार लेकर आई हूँ, मिर्ची का अचार। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इससे आप एक रोटी के बजाय चार रोटी खाओगे और ना इसमें तेल लगेगा ना ही मसाले लगेंगे। ये देखिए, हमने ये मिर्ची ली है। अब इन ये पतली पतली मिर्ची लेंगे। ध्यान रखिए, आप मोटी मिर्ची नहीं लेनी है हमें। और इन सबके हम पीछे के डंकल तोड़ देंगे। ये देखिए, सभी के हमने तोड़ दिए हैं। और उसके बाद हम इसमें इस तरीके से बीच में से कट लगा देंगे। आप चाहे तो इसको बारीक टुकड़ों में भी काट सकते हो। ये देखिए, अब लिया है मैंने 2 चम्मच नमक। और इसमें डालेंगे हम 1 पिंच हल्दी और डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग। इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हो, पर मैं यही डालती हूँ। इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये अचार। ये देखिए, अब इसको मसाले को हम नमक वाले मसाले को मिर्ची में लगा देंगे इस तरीके से बीच में और कंटेन में डाल देंगे। एक एक करके सभी को कंटेन में डालते जाना है हमें। ये देखिए, अब हमने लिए नींबू। ये 8 से 10 नींबू है। इससे हमें 1 कप नींबू का रस चाहिए। ये देखिए, सभी नींबू का रस निकाल लेंगे हम। और ये जो रस निकाला है हमने, ये पूरा हम इन मिर्चियों में डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर हमको हिलाना है इसको, ताकि अच्छे से सभी में नींबू का रस लग जाए। इस मिर्ची को आप दूसरे दिन खाइएगा, ये जब दूसरे दिन तक गल जाती है। देखिए, झटपट बनने वाला अचार है ये। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस अचार को इसी सीजन में डाला जाता है और ना ही इसको हमें धूप में रखना पड़ता है, ना मसाले डालने पड़ते हैं, ना ही तेल डालना पड़ता है। झटपट तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाना।